हेलो या स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग आना। आप लोग अपने माइक्स वगैरह ऑफ कर लीजिए। सो फॉर टुडे सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, सो क्लाउड के बारे में देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है, एंड हम कोई हैकिंग वगैरह परफॉर्म नहीं करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये देखेंगे कि क्लाउड के अंदर हम अपना काले लिनक्स कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग। सो सबसे पहले मैं आप लोगों से इनपुट लेना चाहूंगा कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्लाउड क्या होता है। व्हाट इज क्लाउड? आप कैसे अंडरस्टैंड करते हो, डिफाइन कैसे करोगे क्लाउड को? एक एक करके जरा इनपुट देना स्टार्ट करो अपने। नाश, व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड से ये मतलब हमारा वर्चुअल अकाउंट की तरह होता है जहाँ पे हमारा डाटा सेव होता है। ओके, सो आकाश ने हमें बोला यहाँ पे वर्चुअल अकाउंट की तरह कुछ होता है जहाँ पे डेटा सेव होता है। ओके, अजय, अच्छा अजय का तो शायद माइक नहीं चल रहा, जा नहीं बोल पाएगा, कोई बात नहीं। अमित, क्लाउड से क्या समझ में आता है? सर मुझे ये आईपी बेस्ड कुछ होता बोथ साइड में, ये आईपी बेस्ड होता है और बोथ साइड कुछ? बोथ साइड का मतलब क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा। इनपुट और आउटपुट के लिए। इनपुट और आउटपुट के लिए? अच्छा, ओके। और कोई कुछ इसमें एडिशन करना चाहेगा? कोई आप अपने इनपुट डालना चाहोगे इसके अंदर? लाइक वर्चुअल स्टोरेज होता है ना, लाइक वर्चुअल स्टोरेज। ओके, और कुछ? चलो तो बताते हैं बेसिकली क्लाउड क्या होता है आपका। क्लाउड भाई आपका जो है, आप ये समझो, ये जो भी चीज़ें आपने बोली हैं कुछ, हाँ लंपसम ऐसे ही होता है, बट प्रिसाइसली अगर मैं बात करूँ तो क्या है, क्लाउड को आप डे वन से यूज़ करते आ रहे हो, ठीक है। जिस दिन से इंटरनेट स्टार्ट हुआ है उस दिन से आप क्लाउड को यूज़ करते आ रहे हो। वो बात अलग है कि कभी आपने क्लाउड को क्लाउड के नाम से यूज़ किया कि नहीं किया, ठीक है ना। कभी आपने उसको वेब सर्वर बोल दिया, कभी वेबसाइट बोल दिया, ठीक है, आप क्लाउड बोलने लग गए हो। तो बेसिकली क्लाउड होता क्या है कि कोई सर्वर है जो कि रिमोटली कहीं पे चल रहा है। ओके, इट्स लाइक रिमोट सर्वर जो कुछ आपको सर्व करता है। सर्वर क्या होता है? आपके रिक्वेस्ट को सर्व करता है। ऐसा है सिस्टम जो आपके रिक्वेस्ट को सर्व करे, दैट इज योर सर्वर। ओके, कोई रिमोट सर्वर है जो इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस करते हो, जिसको आप यूज कर सकते हो डेटा स्टोरेज के लिए, कुछ डेटा होस्ट करने के लिए, ठीक है, आपके और किसी कंप्यूटिंग कंप्यूटेशनल पर्पस के लिए, ठीक है, और कोई कंप्यूटिंग वगैरह करवाने के लिए। ट्रेडिशनली अगर मैं बात करूँ, आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट जो है एक्चुअली एक तरीके से क्लाउड पे होस्टेड है, ठीक है। कैसे होस्टेड है भाई? वो एट द एंड एक सर्वर पे होस्टेड है। उस सर्वर को आप क्या कर रहे हो? कहीं और बैठ करके एक्सेस कर रहे हो, ठीक है ना। बट पहले लोग बाग उसको वेब सर्वर बोलते थे, वेबसाइट बोलते थे। अभी क्या है, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में अब उसको हम क्लाउड की तरह सिग्निफाई करने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि हम अब जो है डेटा स्टोरेज वगैरह भी कर सकते हैं, और अब जो हमारी पॉसिबिलिटीज हैं क्लाउड को लेकर के वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गई है। इनिशियली क्लाउड का यूसेज जो है केवल एज अ वेब सर्वर ही होता था। नाउ दिस इज नॉट द केस। ओके, अभी हम एंडलेस पर्पसेस के लिए क्लाउड को यूज कर सकते हैं। क्या क्या पर्पसेस हो सकते हैं अभी हम देखेंगे, ठीक है। ओके, सो क्लाउड की बात करते हुए ना,
हमारे पास एक पैरेडी वीडियो है, शायद से तुम लोगों ने देखी हो, शायद से ना देखी हो। क्या नाम है उसका, दिमाग से निकल रहा है मेरे। विश्व बंधु, विश्व विश्व देन बंधु, नहीं विश्व बंधु शायद से, विश्व बंधु क्लाउड कंप्यूटिंग। ड्रग विच पुट यू ऑन क्लाउड नाइन। नाइस, ये वीडियो मैंने कभी नहीं देखी। क्या कर रखा है इसमें? अच्छा, वो सेम ही वीडियो है। चलो वीडियो देखेंगे नहीं हम, ये वीडियो तुम देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है अपना। अमेरिका में जितनी भी बुक, हाँ ये वीडियो है, इसको मैं चैट में शेयर कर देता हूँ लिंक को। चैट कहाँ है हमारी? सर ये क्लाउड एक ही है क्या, और भी हो, काफी सारे होते हैं? क्लाउड एक ही है या काफी सारे होते हैं मतलब? मतलब पूरी दुनिया में एक ही जगह डाटा सेव होता है, एक ही जगह सब कुछ होता है, या नहीं अलग नहीं अलग 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 अलग। अब जैसे वेबसाइट है काफी? आपकी, अब पूरी दुनिया की वेबसाइट जैसे एक जगह पे तो नहीं चल रही ना, सब नहीं एक ही सर्वर पे तो नहीं चल रही ना, सब अलग अलग सर्वर पे चल रही है, ठीक है ना? और तो उसी तरह से क्लाउड भी है आपका, उसी तरह से समझो आप इसको, ठीक है ना? आप ये समझो कि अब जैसे कहीं लोग बाग वेबसाइट अपने घर पे ही होस्ट कर लेते हैं, आपके पास कोई पुराना लैपटॉप पड़ा हुआ है, कोई पुराना सिस्टम पड़ा हुआ है, आपने उसी के ऊपर अपना वेब सर्वर चालू कर दिया, बस उसको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जरूरत है बस, ठीक है ना? आपने कुछ पोर्ट फॉरवर्ड वगैरह करके या पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करके अपनी वेबसाइट अपने घर पे ही होस्ट कर रखी है, या फिर आपने किसी थर्ड पार्टी होस्ट कर रखी है। कोई अगर बड़ी कॉरपोरेट है, बहुत बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने शायद से ऐसी कुछ वेबसाइट बना रखी हैं जो केवल और केवल उनके कॉर्पोरेट के लोग बाग एक्सेस कर पाए, इंटरनली केवल एक्सेस हो पाए वेबसाइट्स। ओके, तो उन्होंने अपने ऑन प्रेमाइज अपनी कुछ होस्टिंग कर रखी है, तो होस्टिंग में भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के टाइप्स आ जाते हैं, अलग अलग सिनेरियोज आ जाते हैं, अलग अलग जगह पे होस्टिंग आ जाती है, ठीक है? ऑफशोर होस्टिंग हो जाती है, ऑन प्रेमाइज होस्टिंग हो जाती है, तो उसी तरीके से क्लाउड का भी सिस्टम है, ठीक है ना? क्लाउड को मैं सबसे सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहूँ तो जैसे आपने गूगल फोटोज यूज किया होगा, गूगल ड्राइव यूज किया होगा, देखा होगा हाँ उसमें वहां पे लिखा था 15 GB ऑफ फ्री क्लाउड स्टोरेज अवेलेबल, हाँ ऑब्जर्व किया होगा ये, है ना? तो वो क्या है एक्चुअली, वहां पे लिखा तो आ गया, क्लाउड का नाम तो वहां पे आ गया, स्टोरेज भी आपको दे दी, 15 GB स्टोरेज है, 15 GB तक आप अपने डेटा को क्लाउड पे स्टोर कर सकते हो। तो जब आप क्लाउड पे जब आप स्टोर करते हो डेटा को, तो आपने देखा होगा कि अगर आपने फोटोज को क्लाउड पे डाल दिया, तो फोटोज को फोन में से डिलीट कर दो, फोटोज को फोन में से डिलीट कर दोगे तो आपकी फोटोज एक्चुअली डिलीट नहीं हुई है, वो केवल आपकी लोकल स्टोरेज है, जो फोन में लोकल स्टोरेज होती है आपकी, इंटरनल मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, वहां से डिलीट हो गई है। अब उन फोटोज को आपने जब क्लाउड पे बैकअप कर दिया है, तो इस दुनिया के किसी भी कोने से आप उन फोटोज को एक्सेस कर सकते हो। कैसे? सिंपल, कहीं पे भी जाना है आपको, गूगल खोलना है, गूगल पे जाके अपना अकाउंट लॉग इन करना है, जिस भी अकाउंट पे आपने बैकअप करी है, ब्राउजर से भी खोल सकते हो फोटोज को, राइट? किसी भी डिवाइस के अंदर लॉग इन करके फोटोज को एक्सेस कर सकते हो। ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ, ये समझ में आ रही है ना? सबने किया होगा प्रोबेबली एट सम हाँ पॉइंट ऑफ सर, टाइम इन देयर लाइफ, यू यस गाइस सर, मस्ट हैव डन दिस थिंग। ओके, तो इसी चीज को हम क्लाउड बोलते हैं यार, कि आपका डेटा जो है पहले लोकली स्टोर होता था, अब आपने उस डेटा को अपने लोकल स्टोरेज से हटा करके क्लाउड पे डाल दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, एक मिनट रुको जरा। सर एक और पूछना है हाँ सर, इसका पूछो। कोई टाइम नहीं है कि इतने साल बाद थोड़ा खराब होने लग जाए? जैसे हमारे कंप्यूटर में पड़ा रहे तो कभी पिक्चर नहीं खुलती, कभी वीडियो नहीं खुलती, कभी ऐसा हो जाता है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम ही मैं चलेगा ऐसे? बताता हूँ, एक मिनट, मेरा स्टाइलस, मेरा 2 मिनट दो जरा, मेरे को थोड़ा पानी ले आने दो, ठीक है? आई विल बी राइट राइट बैक।
मैं समझाता हूँ अभी अमित, तुम्हारी बात को, तुम्हारे सवाल को भी जवाब देता हूँ। सब सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ सर। चलो ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक सिस्टम था, ठीक है, ये आपका लैपटॉप भी हो सकता है, डेस्कटॉप भी हो सकता है, आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है, बस एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे डायग्राम, ठीक है। जब और इस सिस्टम के अंदर आपके पास कोई सीपीयू है, अगर वर्क स्टेशन है आपके पास तो एक सीपीयू अलग से होगा, उसके अंदर हार्ड डिस्क होगी, ठीक है। लैपटॉप है तो ये सीपीयू उस लैपटॉप के अंदर ही होगा, मोबाइल है तो ये उसके अंदर ही होगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ हार्ड ड्राइव होगी। तो अब जब आप डेटा को सेव करते हो तो डेटा कहाँ जाता है? आपका डेटा जो है इस सीपीयू के अंदर आता है, इसके अंदर कुछ हार्ड ड्राइव होती है, उस हार्ड ड्राइव के अंदर डेटा जाता है आपका, ठीक है। अब जब क्लाउड की मैंने बात करी, तो क्लाउड के केस में क्या हुआ, या आपने डेटा को, क्लाउड को ऐसे डायग्राम बना कर रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये क्लाउड है आपका, आपने बैकअप किया, बैकअप किया तो ये डेटा जो है यहाँ से निकल के यहाँ जाके सेव हो गया, क्लाउड में सेव हो गया, ठीक है। अब आपने डेटा को, अच्छा ठीक है, इसको एक और चीज़ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये क्या है आपका, यहाँ पे आपके पास लोकल स्टोरेज है और ये आपका है क्लाउड स्टोरेज, ठीक है जी। अब आपने डेटा को लोकल स्टोरेज से डिलीट कर दिया, तो आपके सिस्टम में से वो सब डेटा जो भी आपने बैकअप किया था गायब हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब आपको लेटर ऑन कल को जाना था यूएसए, यूएसए चले गए, अब ये सिस्टम तो आप लेके नहीं गए, घर पे पड़ा हुआ है, अब आपको वो सेम डेटा एक्सेस करना है, तो क्या करोगे, किसी भी सिस्टम में लॉग इन करोगे आप, कोई भी लैपटॉप हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, यहाँ पर साइबर कैफे में जा सकते हो, किसी भी सिस्टम में जाओगे, उसमें लॉग इन करोगे अपने अकाउंट में, जो भी आपके जीमेल का अकाउंट है, किसी का भी अकाउंट है, एंड देन क्या करोगे, क्लाउड को एक्सेस करोगे और क्लाउड में जो आपका डेटा पड़ा हुआ है उसको रिट्रीव कर लोगे, ठीक है ना। उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, क्लाउड में ही व्यू भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये क्लाउड का कॉन्सेप्ट है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब लोकल स्टोरेज की मैं बात करता हूँ, जब मैं डेटा स्टोरेज की बात करता हूँ, तो डेटा स्टोरेज एट द एंड कहाँ जाके डेटा स्टोरेज होता है? एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई हार्ड ड्राइव चाहिए होती है ना, एचडीडी या एसएसडी, ऐसी होती है हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी, ठीक है ना। और कहीं तो डेटा सेव नहीं होता ना भाई, आपका जो डेटा है इसी जगह पे सेव होता है बस। अब ये कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई जो क्लाउड में डेटा स्टोर कर ले रही है? एट द एंड ऑफ द डे भाई क्लाउड व्लाउड कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी एक हार्ड ड्राइव ही है। देखो डेटा को ये समझ में आ रहा है आपको कि डेटा को आप हार्ड ड्राइव के बिना किसी चीज में स्टोर नहीं कर सकते, या तो सीडी होएगी, पेन ड्राइव होएगी, हार्ड ड्राइव होएगी, फ्लॉपी ड्राइव होएगी, फ्लॉपी तो भूल जाओ अब, ठीक है, पेन ड्राइव बहुत छोटी होती है, पेन ड्राइव को भी भूल जाओ तुम, ठीक है, और सीडी, सीडी को भी भूल जाओ, फ्लॉपी को भी भूल जाओ, एट द एंड हार्ड ड्राइव बच जाती है आपके पास, जिसकी अच्छी बड़ी कैपेसिटी होती है, 4 TB, 5 TB, 10 TB, ओके। एट द एंड ऑफ द डे डेटा स्टोरेज के लिए हमारे पास जो हार्डवेयर है वो तो ऐसे ही है ना, तो ये क्लाउड कोई नया हार्डवेयर आया है क्या डेटा स्टोर करने के लिए? क्लाउड कोई नया हार्डवेयर नहीं है, यहाँ पे भी आपकी हार्ड ड्राइव ही है, ठीक है, इट कैन बी एचडीडी और इट कैन बी एसएसडी, हार्डवेयर ही है। तो जब डेटा आपका हार्ड डिस्क में ही स्टोर हो रहा है, ठीक है, जब डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर होना है, तो ऐसे ही डेटा आपकी लोकल हार्ड डिस्क में स्टोर होना है, ऐसे ही आपके कहीं और हार्ड डिस्क में स्टोर होना है, एकदम सही बात है। बस फर्क ये है कि जब वो हार्ड डिस्क आपके पास होगी, आपके सिस्टम में लगी होगी, आप उसे देख सकते हो, तो वो लोकल स्टोरेज में आ जाती है, लोकली आपका एक्सेसिबल होती है, तो नॉर्मल है। लेकिन अगर वो हार्ड डिस्क आपके पास नहीं है, वो कहीं और पड़ी है किसी और दुनिया के किसी और कोने में, ठीक है, एंड उस हार्ड डिस्क को आप एक्सेस कर पा रहे हो किसके थ्रू? क्लाउड का मतलब क्या है, आप उस हार्ड डिस्क को एक्सेस कर पा रहे हो इंटरनेट के थ्रू, ओके, इंटरनेट के थ्रू आप उस हार्ड डिस्क को एक्सेस कर पा रहे हो, एंड उस हार्ड डिस्क पे आप डेटा स्टोर, अपलोड, बैकअप और डिलीट कर पा रहे हो, बस इस चीज को हम क्लाउड बोल देते हैं। इतनी बात आ गई समझ में, क्लियर है? यस सर। हाँ सर। तो बस यार इतना ही सिंपल है क्लाउड, इसी को बोलते हैं क्लाउड, ठीक है। अभी हम देखेंगे काफी सारी चीजें क्लाउड के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप्स वगैरह। अच्छा अब बात रही तुम्हारी कि इसके अंदर भी कोई टाइम होता है, फाइनाइट टाइम? हाँ भाई फाइनाइट टाइम ऐसे होता नहीं है,
ठीक है, ऐसा है कि अगर आपके पास SSD है तो SSD में डेटा पड़े पड़े ख़राब नहीं होता है आपका। वैसे तो डेटा पड़े पड़े SSD पे भी नहीं ख़राब होता है, ख़राब तब हो जाता है आपका। तो SSD क्या होती है यार, मैकेनिकल ड्राइव होती है। अगर आपने कभी आर्किटेक्चर देखा हो अपना है हार्ड ड्राइव का, SSD फ्रॉम इनसाइड, देखो कोई बढ़िया सी इमेज मिलती है क्या उसमें डीवीडी ऐसे, टाइप होती है। ठीक है ना, ऐसी दिखती है हार्ड ड्राइव अंदर से। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे ना, आपको ये ऊपर जो दिख रहा है ना, पॉइंट नंबर 2 जो है और पॉइंट नंबर 6 जो है, जो पॉइंट नंबर 6 है यहाँ पे एक पिन होती है, एक हेड होता है, ठीक है, ये रोटेट करता है इस पूरी ड्राइव पे। ये डिस्क आपको दिख रही होगी, इसके अंदर एक मोटर लगी है। 3 नंबर जो है, जो नंबर 3 है वो एक मोटर है, ठीक है, वो घुमाती है इस ड्राइव को। एक मोटर 9 नंबर पे लगी है, ठीक है। जो ये पार्ट नंबर 2 है, जो नंबर 2 है, ये भी मूव करता है। अब ये इसलिए इसको मैकेनिकल ड्राइव भी बोलते हैं। तो क्या है ना कि विद पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, ये जो मैकेनिकल ड्राइव्स होती है ना, वियर एंड टीयर हो जाती है, खराब होने लग जाती है, डिग्रेड करने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या है ना कि कई बार बैड सेक्टर्स वगैरह इसके ऊपर आ जाते हैं। ऐसे सेक्टर्स जो आपके पिन एक्सेस नहीं कर पा रही है, ठीक है, जिससे आप डेटा स्टोर्ड है, डेटा रिट्रीव नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं विद पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन अब आप ये देखोगे ना कि ये जो टेक्नोलॉजी है पुरानी हो गई है, ठीक है, अब डेटा हम ऐसे नहीं स्टोर कर रहे हैं। SSD पे कोई इमेजेस देखें, बाहर से SSD ऐसी दिखती है, अंदर से SSD ऐसी दिखती है, ठीक है ना। तो ये कोई आपकी मैकेनिकल ड्राइव नहीं होती है, तो इस पर डेटा आपका कोई पड़े पड़े खराब नहीं होता है कि भाई कुछ मोटर खराब हो जाएगी, या पिन खराब हो गई, हेड खराब हो गया, डिस्क खराब हो गई, डीमैग्नेटाइज कर दिया आपने, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके की हार्ड ड्राइव में स्टोर किया है डेटा, ठीक है अमित। अब आपने पेन ड्राइव में डेटा स्टोर किया और पेन ड्राइव के ऊपर हथौड़ा मार दिया, तो डेटा नहीं बचेगा। और कई बार आपको ऐसा मिलता है कि पेन ड्राइव बहुत सालों से रखी हुई है, आज भी चल रही है, आज भी बढ़िया है एकदम, और कई पेन ड्राइव ऐसी होती है जो साला 2 महीने में 2 साल में खराब हो जाती है, ऐसा भी होता होगा। सर ये हैक होने का भी ज़्यादा चांस होता होगा ना क्लाउड का, जैसे वेबसाइट हो जा वो वेब सर्वर हो जाता है। एग्जैक्टली तो ऐसा है कि देखो, अभी जब तुम्हारा सिस्टम है, तुम्हारे सिस्टम पे डेटा स्टोर्ड है, तुम्हारे सिस्टम पे ये हार्ड ड्राइव बनी हुई है, तुम्हारे सिस्टम पे डेटा सब कुछ स्टोर्ड है, तो अगर किसी को तुम्हारी हार्ड ड्राइव एक्सेस करनी है तो उसे तुम्हारा सिस्टम हैक करना पड़ेगा, या तो रिमोटली हैक करेगा या तो फिजिकली हैक करेगा। और तुम अपने पास जो डेटा स्टोर करोगे, और तुम्हें पता है कि बड़ा सेंसिटिव डेटा है, तो उसको बड़ा संभाल के भी स्टोर करोगे कि यार ये डेटा जो है किसी के हाथ में लगना चाहिए, मैंने बड़ा सेंसिटिव डेटा स्टोर कर रखा है, इस डेटा को इनक्रिप्ट करो, इस पे पासवर्ड लगाओ और ये सब करो, ठीक है ना। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, मतलब मैं ये कह सकता हूँ एक तरीके से आपकी मशीन के डेटा के तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप जिम्मेवार हो, लेकिन क्लाउड में जो सिक्योरिटी है, यहाँ पे जो सिक्योरिटी है उसके लिए तो आप जिम्मेवारी नहीं हो। आपके हाथ में क्या है, आप क्या करते हो, आप मैनेज करते हो क्लाउड को, आप मेंटेनेंस करते हो क्लाउड की। क्लाउड तो हम बोल रहे हैं, बस ये कुछ तरीके, एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है, एक सूट है प्रोटोकॉल्स का, जिससे आप एक फिजिकल हार्ड ड्राइव को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हो। तो देर इज नो सच थिंग एज क्लाउड, ओके। क्लाउड ऐसी कोई चीज ही नहीं है। ये जो बादल की इमेज थी ना आज तक आप लोगों के दिमाग में, इसको भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आप अपने डेटा को किसी और इंसान की हार्ड ड्राइव में स्टोर कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू। ये बात आ रही है, क्लियर समझ में आई है? यस सर। कोई डेटा आपका बादलों में स्टोर नहीं हो रहा है। और जो पैरेडी मैंने वीडियो भेजी है ना आपको, एक्चुअली वो इसलिए पैरेडी है क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता। ये बोलता है भाई कि आपका डेटा बादलों में स्टोर हो जाएगा, फिर कभी अगर तूफान आ गया, कभी बारिश आ गई, तो आपका डेटा बह जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो लोग बाग बेवकूफ होते हैं, उनकी हमें बात करने की जरूरत नहीं है। अकेले में आप देख के इसको हंस सकते हो बहुत आराम से, क्या बोलता है आदमी है। खैर जी, तो देर इज नो सच थिंग एज क्लाउड, ये बहुत मेजर स्टिग्मा है। यहाँ पर सर्च करूँ, देर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच, एज
ये देखो, वाह ये बढ़िया है। मुझे देर इज नो क्लाउड, इट्स जस्ट समवन एल्सेस कंप्यूटर, राइट? ओके, देर इज नो क्लाउड, जस्ट अदर पीपल्स कंप्यूटर, राइट राइट राइट। अब तो काफी सारे ब्लॉकचेन के स्टार्टअप आ गए, आपको पता है। आप अगर आपके पास आपके सिस्टम पे स्पेयर हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है, मतलब ऐसे 500 GB आपके पास हार्ड ड्राइव पड़ी हुई लेकिन आप यूज ही नहीं कर रहे हो, तो ऐसे ब्लॉकचेन के स्टार्टअप्स है, आप अपनी हार्ड ड्राइव को किसी और को लेंड कर सकते हो क्लाउड के थ्रू, समझ रहे हो? आपकी हार्ड ड्राइव होगी फिजिकली आपके लैपटॉप में लगी हुई है, आपके वर्क स्टेशन में लगी हुई है, बट वो कोई और यूज कर रहा है, उस पर किसी और का डेटा स्टोर हो रहा है। आर यू गाइज अवेयर ऑफ दिस थिंग? ऐसा होता है एक्चुअली? नो सर। ओके, सो प्रोबेबली दो तीन साल पहले मैंने ऐसे स्टार्टअप्स देखे थे, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इतना, नाम वाम मेरे को याद नहीं है, फिर भी मैं सर्च करने की कोशिश करता हूँ। लेंडिंग योर लोकल स्टोरेज टू क्लाउड, मूविंग फ्रॉम लोकल स्टोरेज, या वांट टू रेंट आउट योर हार्ड ड्राइव एक्स्ट्रा स्पेस, राइट? ये सही है, 2015 की आर्टिकल है, 2015 का ऐसा कुछ है। आप पैसा कमा सकते हो, आपको क्रिप्टो करेंसी मिलेगी, आप दे रहे हो अपनी हार्ड ड्राइव तो कोई वजह तो होगी ना भाई, क्यों दोगे हार्ड ड्राइव, पैसे मिलेंगे। क्राउड सोर्सिंग कैंपेन, राइट? कॉइन डेस्क, बिटकॉइन प्राइस, स्टोरेज कॉइन, a form of currency. I use a canal SJX with RTR. File sharing app. वैसे देखें जरा storage coin जो है आज की डेट में जिंदा भी है या फिर ये कंपनी खत्म हो गई? नहीं सर, मुझे तो रिपल पता है, रिपल coin। अरे रिपल तो तुम्हें पता है, बहुत सारा एक बूम आया था ना एकदम से क्रिप्टो करेंसी में, जैसे क्रिप्टो करेंसी में बूम आया था तुमने देखा था, नोटिस किया था, पता नहीं कितने सारे लोगों ने अपने क्रिप्टो करेंसी बना दी थी। हाँ सर, लेकिन जब उसने 50,000 लगा दिए थे बंदों ने क्रिप्टो करेंसी में सर, जब वो उसका बयान आया था ना एकदम डाउन हो गया था, फिर एकदम चढ़ गया था उसमें। ओके, ये वेबसाइट आज भी एग्जिस्ट करती है क्योंकि कई ऐसे फ्रॉडलेंट इस टाइम पे आए, उस टाइम पे आए एकदम से कि भाई हाँ हम क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है और आप ऐसे ऐसे करके कर सकते हो और क्रिप्टो करेंसी मिलेगी, एंड सडनली मार्केट से पैसा उठा करके 6 महीने में गायब, बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी, 1 साल में गायब, 6 दिन में गायब, बहुत बहुत आपका उस टाइम पे स्कैम हुए हैं यार। ओके, पुट योर एक्स्ट्रा डिस्क स्पेस टू वर्क, गेट पेड, बी द क्लाउड, यूज एक्सिस्टिंग हार्ड ड्राइव, राइट, अपग्रेड योर स्टोरेज लेयर, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसा केवल एक ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में अवेलेबल स्टोरेज। ओके, अगर आपको और पढ़ना हो, अगर क्यूरोसिटी हो तो मैं फिर भी चैट में इसको शेयर कर देता हूँ, ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको। ब्लॉकचेन एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है। वैभव करण, अमित आकाश, अजय चला गया, ठीक है। सो ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है, आगे बूमिंग टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलो इसको भी बंद कर देते हैं। खैर, तो आई होप अब आपको क्लाउड का थोड़ा एक रियलिटी चेक हो गया होगा, क्लाउड की क्या कहानी है। तो सर, जो अनलिमिटेड ऐसा स्टोरेज बना हुआ तो सर ये लोगों ने रेंट दे दे के ऐसे ही बना होगा ना ब्लॉकचेन से? अनलिमिटेड स्टोरेज कौन सा बना हुआ है? ये क्लाउड का कहाँ बना हुआ है सर? कोई इंडिया में, सर इंडिया के देख लो कितने लोगों ने स्टोरेज कर देते होंगे, तो सर अनलिमिटेड ही होगा? नहीं नहीं, अनलिमिटेड कुछ नहीं है भाई, कहीं पे भी अनलिमिटेड नहीं है, अगर होगा तो फ्री नहीं होगा। मैंने इतने सर्विसेज देखे हैं क्लाउड के लिए, मेरे को तो अनलिमिटेड कहीं पे भी नहीं मिला यार, फ्री में, मैं फ्री की बात कर रहा हूँ। पेड पेमेंट करोगे तो फिर सब कुछ मिलेगा, पैसा फेंकने पर सब मिलता है, अनलिमिटेड नहीं है यार ये। कोई अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले तो लेके आना मेरे लिए भी, ठीक है। फोटोज है ना उसमें, बस फोटो की इमेज का चेंज कर दो, अनलिमिटेड मिल जाएगा आपको। क्या फोटोज? क्या फोटोज? क्या गूगल फोटोज? हाँ सर, गूगल फोटोज में अनलिमिटेड। तो
गूगल फोटोज में क्या है, अनलिमिटेड स्टोरेज है? हाँ सर, नहीं भाई, अनलिमिटेड है सर। गूगल फोटोज स्टोरेज द सर्विस ऑल्डर एनएस फोटोज आइडेंटिफाई वेरियस गिव्स यूजर्स फ्री अनलिमिटेड स्टोरेज फॉर फोटोज। ठीक है, स्पेसिफिकली शायद से फोटोज के लिए ऑफर कर रहे होंगे। व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फोटोज? अभी देखते हैं यार, तुमने इंटरनेट जब लगाया होगा, ब्रॉडबैंड अगर लगाया होगा, तो आईएसपी यही बोल के देता है ना तुमको, अनलिमिटेड डेटा। हाँ सर, अनलिमिटेड होता है क्या वो? वो अनलिमिटेड नहीं होता, उसकी एक लिमिट होती है, 150 GB, 200 GB, 300 GB लिमिट होती है उसकी। बोलने के लिए वो अनलिमिटेड होता है, इसकी भी एक लिमिट होगी। अरे हाय, मैं तो ऑप्शन क्लिक ऑन, आई डोंट थिंक दैट इट इज फ्री, इट कैन बी हाइड एन मैसेज। अच्छा, किसी और लैंग्वेज में ये सर आपके व्यू में सर, इस क्लाउड पे सर डेटा रखना सर सेफ है कि नहीं है? अब यार लोग बाग रख रहे हैं तो सेफ ही है, वैसे सेफ नहीं है। अगर आपको शायद से पता नहीं, कितने लोगों को आई क्लाउड हैक के बारे में पता है? नहीं पता सर। आकाश, करण, वैभव, वैभव टेक से भी इंसान तुरंत सब कुछ पता होता है, पता मेरे को? नहीं सही है, नहीं पता। आई क्लाउड हैक के बारे में ऐसे मत बोल यार, मैं कोई उम्मीद नहीं इधर से। देखो ज्यादा तो मैं सर्च करके दिखा नहीं पाऊंगा। आई क्लाउड, आई क्लाउड आपका एप्पल का आई क्लाउड है, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा नाम से। ये हैक हो गया था भाई, और ये हैक हो गया था सेलिब्रिटी, जितने भी सेलिब्रिटी के अकाउंट थे। और पता है क्या लीक हुआ था? ये याद है, इनकी पिक्स लीक हुई थी, पिक्स लीक हुई थी। और पता नहीं कैसी कैसी पिक्स लीक हुई थी सब। हाँ सही, याद आ गया, याद आ गया ना, ऐसे कैसे हो सकता है याद ना हो, है ना, ऐसे कैसे हो सकता है। विद मैनी कंटेनिंग न्यूडिटी, ठीक है, प्राइवेट पिक्चर्स, ओके, सो ये डेटाबेस वगैरह सब अवेलेबल थे यार, पूरा पूरा डेटाबेस लीक हुआ आपका आई क्लाउड का, आप समझो ये इस नाम से आया था, द फैपनिंग, ओके, अ सेकंड बैच ऑफ सिमिलर फोटोज। हाँ, ये लॉट्स में रिवील हो रही थी फोटोज आपकी, बैच 1, बैच 2, बैच 3, ठीक है ना। देखो 20 सितंबर को सेकंड बैच आया, 26 सितंबर को तीसरा बैच आया, ठीक है, पूरा ये पढ़ने के लायक है भाई, पढ़ना इसको, ठीक है, बहुत मतलब आई वुड से सेंसिटिव सीवियर मेजर क्लाउड हैक में से आता है ये, ठीक है, केस स्टडी है ये, काफी कॉलेजेस में पढ़ाई भी जाती है, ठीक है ना, कि इसमें हुआ क्या था और क्या डेटा बाहर आया था। अब तो शायद कई सारी ऐसी 4chan या 8chan वेबसाइट्स है जहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल हो जाएंगी। 8chan देखो, 8chan शायद डीप वेब का है, 8chan शायद मेरे को यहाँ पे नहीं मिलेगा। 8chan मिलता है क्या नॉर्मल वेब पे? मैंने कभी सर्च नहीं किया, डीप वेब पे तो मिल जाती है। शट दिस साइट डाउन सेज द क्रिएटर ऑफ 8chan, इस पे 4chan मिलता है, 4chan.org शायद यहाँ पे भी अवेलेबल थी, बाकी 8chan पे मिल जाती थी फोटोज वगैरह आपको, ठीक है, 8chan पे सारे लीक्स आते हैं डेटाबेस के, वहां पे मिल जाता था। ओके, तो ये मैंने क्यों बताने लगा था, ये मैं इसलिए बताने लगा था, तुम कह रहे थे ना सेफ है कि नहीं है, तो यार सेफ है, जब तक सेफ है, जब तक आप हैक नहीं होते हो, ठीक है, और जब तक हैक नहीं होते तब तक सब कुछ सेफ है, हैक हो जाते हो तो फिर कुछ भी सेफ नहीं है, ठीक है ना। कंटेनिंग न्यूडिटी इमेजरी ऑफ, ओके, तो भाई बहुत अनशन फोटोज आई थी इसके अंदर, चलो इसको बैक कर देते हैं, ये तुम्हारे खुद सेल्फ स्टडी के लिए है, खुद पढ़ना मन करे तो आई क्लाउड। और इसमें भी अनलिमिटेड नहीं है यार, ये यहाँ पे कुछ है, एक लिमिट है दे रखी है यहाँ पे, देखो ये पढ़ना तो यहाँ पे लिमिट मिल जाएगी,
I scroll down on the page, shows 115 GB comes free. Then if I want to buy Mosul, I have several options starting from 100 GB. सर आई थिंक जो गूगल पिक्सल खरीदते हैं ना उनके लिए फ्री है। हाँ जो पिक्सल खरीदते हैं उनके लिए फ्री है यार, वो गूगल का प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है, प्रॉब्ली उनको तो देंगे ना प्रीमियम, एक कॉस्ट पे कर, प्रीमियम यूजर्स हैं वो गूगल के, ऐसा हो सकता है यार। हमें पिक्सल विक्सल तो नहीं चलाते? नहीं सर, मैं बता सर फोटोज में ना सेटिंग कर, वो पिक्चर की सेटिंग चेंज कर दोगे ना तो अनलिमिटेड हो जाता है। हाँ वो सेटिंग शायद से उसने कह रखा है, शायद अगर आप उसमें ये लिख रखा है कि कीप योर फोटो सेव बाय बैकिंग देम अप टू योर गूगल अकाउंट, तो ना अपने आप हो जाएगा। अच्छा ऐसा कुछ है। ओके। सर अजय का मैसेज आया, वो बोला कि मेरा नेट नहीं चला तो रिकॉर्डिंग भेज देना। ठीक है हाँ ऐसा मैसेज चैट पे, चैट पे तो आया नहीं, ऐसा तो मैं पर्सनल मैसेज आया होगा। हाँ ठीक है कोई नहीं, भेज देंगे यार, रिकॉर्डिंग हम कर ही रहे हैं, सेशन रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। ओके तो अच्छा क्लाउड लाउड का आइडिया लग रहा है, सिक्योरिटी का आइडिया लग रहा है, और सिक्योरिटी का आइडिया तो तुम ये छोड़ो, ये तो मैं 2015 की न्यूज़ बता रहा हूँ, 2020 की न्यूज़ बताऊँ गूगल की। गूगल ने क्या करा, ये गूगल फोटोज आप यूज़ करते हो, आप लोग सभी यूज़ करते होंगे यार, अभी हमारे पास जितने स्टूडेंट्स कनेक्टेड है सब फोटोज यूज़ करते होंगे, सब ने बैकअप कर रखा होगा, तो आप लोगों के ओपिनियन के अंदर, ओपिनियन में फोटोज कैसा है, सिक्योर्ड है आपका डेटा, मतलब आपके पास सिक्योर्ड है कि आप कैसा फील करते हो? हाँ सर सिक्योर्ड ही, जब तक आपकी बात नहीं सुनी थी मैंने अभी तक। मुझे तो नहीं लगता कि हमारा डाटा जो भी इंटरनेट पे है वो सेफ है, क्योंकि हर चीज अपलोड हो जाती है एक सर्वर पे, और जो उसका मेन है ना जो सर्वर को चलाता है वो कभी ना कभी उस डाटा को एक्सेस कर ही सकता है। ठीक है वो तो एक्सेस कर सकते हैं, और जिस दिन वो सर्वर कॉम्प्रोमाइज हुआ आपका डेटा भी तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ना। ठीक है ना, अब ऐसी बात है भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ, गूगल ने अभी प्रोबेबली 2020 की न्यूज है ये, क्या किया गूगल में ना एक ऑप्शन होता है अपना डेटा डाउनलोड करने का, एक सिंगल क्लिक करते हो और आपका गूगल पे जो भी डेटा होता है आपका वो सारा 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 लोकली डाउनलोड हो जाता है। ठीक है तो कुछ 7 days का पीरियड था, 6 to 7 days का पीरियड था जिसमें जितने भी लोगों ने अपना डेटा डाउनलोड किया, हेलो सर आवाज चली गई।
हेलो हेलो यार भाई लोग, वो ना क्लास है ना एंड हो गई यार, सर का ना इंटरनेट चला गया। हाँ, लीव करनी है मीटिंग। यार वो कह रहा है कि 2-3 मिनट वेट कर लो। ओके बोल रहे 11-10 तक लीव कर देना सारे अगर मैं ना हूं। कर भाई, कल ऐप बनाई मैंने, कौन सी? अच्छा, वो एंड्रॉइड हैक करने वाले भाई सी की भाई। खुजली मच रही थी, नेट पे डाल दिया। कैसा आया है, एक सॉफ्टवेयर था से चीज नाम से, वो तो मिला ही नहीं, हटा दिया है वो साइट ने। लिनक्स से मैं जो डाउनलोड करते हैं ना जिस साइट से, उसने हटा दिया था। फिर दूसरे वाला देखा, कल यही किया। दिखाऊंगा तुम्हें।